अध्यक्ष जी, मैं मेहंदीपुर बालाजी का तिलक लगा के आई हूँ अपने माथे पे, कैसे बोला इन्होंने ये? अध्यक्ष जी, मुझे आपत्ति इस बात की। नास्तिक नास्तिक वाला डिलीट कर दीजिए। मैं इनके जैसे दिखावे सांवलिया जी। सभापति महोदय, एक इस लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है, इस सदन में हम कुछ भी बोलते हैं वो रिकॉर्ड पर जाता है। आपने तो मंत्री महोदय जो बोलकर आज इन सारे मंदिरों का पंडितों का जो विरोध किया ना, ये ऐसे कैसे निकाल के लेके जाऊंगा और सिकराए के गली गली कुचे कुचे में जाकर बताऊंगा आपका असली चेहरा। इन्होंने विरोध नहीं किया है, विरोध नहीं किया है, इन्होंने तो केवल नाम लिया है कि स्पेसिफिक उस पर बोले। चर्चा चल रही है जिन मंदिरों की, उनके बारे में भी बात करिए कुछ तो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे अध्यक्ष जी कह के गए कि दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिल है और हम आप जैसे विद्वान व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम उनके बारे में भी कुछ बोलो। आप उस बात को भूल ही गए। मैं हर साल सांवलिया सेठ के दर्शन करने जाता हूँ और मैं नाथ द्वारा भी जाता हूँ। मैं आपकी तरह नास्तिक नहीं हूँ, मैं आस्तिक हूँ। करो आशीर्वाद तो लो, ये जैसे झेपे पहुंचो तो सही दोनों के आशीर्वाद से। मैं मेरी बात को समाप्त करूं जी जी। उसके साथ मैं जरूर ये कहूंगा कि कल्ला जी अभी समाप्त कर रहे हैं वो। अध्यक्ष जी, इन्होंने मुझे कैसे नास्तिक बोला? आप नास्तिक हो? अध्यक्ष जी, मैं मेहंदीपुर बालाजी का तिलक लगा के आई हूँ अपने माथे पे, कैसे बोला इन्होंने ये? अध्यक्ष जी, मुझे आपत्ति इस बात की। नास्तिक नास्तिक वाला डिलीट कर दीजिए। मैं इनके जैसे दिखावे वाली नास्तिक नहीं हूँ। अध्यक्ष जी, डिलीट करिए ये, मुझे आपत्ति इस बात की। करा दिया, हटाइए। मैं माफी मांगता हूँ सभापति महोदय, ये हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दे आप सदन में, मैं मान जाऊंगा कि आस्तिक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक सागर, राम दूत अंजनी पुत्र महावीर। ऐसा करो आप सुना दो और मैं भी सुना दूंगा। नहीं, आपकी बात है। मैं सुना दूं। बैठिए माननीय मंत्री महोदय। श्री गुरु चरण सरोरज माननीय मंत्री महोदय, सुधारी वरुण विमल माननीय मंत्री महोदय, चार बुद्धिहीन तुम जान के सुने रूप पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरु कलेश विकार। हम विराजिए प्लीज विराजिए। सभापति महोदय, मैं कह रहा था सभापति महोदय, ये मंदिर माफी की जमीन के बारे में जो परिपत्र भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 12 सितंबर 2018 को जारी किया, जिसमें मंदिर की मूर्ति को परपेचुअल माइनर माना और ये कहा था कि सब टेनेंट हो सकता है मंदिर का पुजारी, पर जमीन को खुर्द बुर्द नहीं किया जा सकता। इस परिपत्र के आधार पर सरकार को सावचेत होकर इस पर करना चाहिए और उसके साथ ही जोधपुर न्यायालय का निर्णय तारा वन्य बनाम राजस्थान सरकार जो 15 जुलाई 2015 में जो इशू फ्रेम किए गए थे 5, क्योंकि सभापति महोदय मुझे आज्ञा नहीं दे रहे, उन इशू के आधार पर मंदिर की जमीन को बचाओ और ये पुजारी जो परंपरागत पुजारी है इन मंदिरों में देवस्थान के मंदिरों में पूजा हो इसका प्रबंधन करो। ये धोती बात करने से, इस प्रकार के एक्ट लाने से, ना जय सिया राम कहने से आप राम भक्त होंगे। राम सेतु तोड़ने वाले लोग हो आप, भगवान राम की आस्था पर सवाल खड़ा करने वाले लोग हो आप। ये बिल लाकर आप अपने चेहरे को चेहरे पर छिपे नकाब लगाना चाहते हो जिसमें कामयाब नहीं होंगे। थैंक यू। सभापति महोदय, आप ऐसा करो, धर्म की परिभाषा बताओ तो, धर्म किसे कहते हैं, हिंदू किसे कहते हैं बता दो आप। श्री अशोक लाउटे। सभापति महोदय, बोलिए सभापति महोदय, पहले भी आपको सौंपी गई थी और आप ही अभी इसकी विश्लेषण आप करोगे। सभापति महोदय, लंबी चौड़ी बहस कर रहे हैं, बैठिए। अब रफी से टक्कर लेके दिखाओ, पता लग जाएगा आपको। ये बताने लग गए कि हिंदू किसे कहते हैं। सभापति महोदय।